सुशांत केस की जांच को लेकर एक्शन में सीबीआई दिल्ली से मुंबई पहुंची जांच एजेंसी की एसआईटी। मुंबई एयरपोर्ट पर आज तक के कैमरे में रिकॉर्ड हुई सीबीआई की टीम, कल से शुरू होगी सुशांत केस में सबूतों की तलाश। मुंबई रवाना होने के पहले दिल्ली में सीबीआई की एसआईटी ने की माथा पच्ची, जांच के एक एक स्टेप का ब्लूप्रिंट तैयार। सुशांत के कमरे में क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी सीबीआई, मौका वारदात पर मौजूद लोगों का नए सिरे से दर्ज होगा बयान। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने दर्ज किए अब तक करीब 8 दर्जन लोगों के बयान, रिया चक्रवर्ती को भी जल्द भेजा जा सकता है समन। सुशांत केस में जारी है ईडी की भी जांच, जांच एजेंसी ने फिल्मकार रूमी जाफरी से की पूछताछ। महाराष्ट्र के गृहमंत्री से मिले मुंबई के पुलिस कमिश्नर, कहा सीबीआई को जांच में करेंगे पूरा सहयोग। सुशांत के पिता के वकील ने की रिया की गिरफ्तारी की मांग, कहा हिरासत में लेकर जरूरी है पूछताछ। सुशांत केस को लेकर जारी है तनातनी, बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना, कहा उद्धव सरकार ने खोया भरोसा। सुशांत केस को लेकर शरद पवार ने जताई आशंका, ट्वीट करके कहा सीबीआई जांच का हाल नरेंद्र दाभोलकर मामले जैसा न हो। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश से सुहाना हुआ मौसम, लेकिन शहर का हाल बेहाल, हर जगह भरा पानी। दिल्ली में पानी भरने की वजह से तमाम सड़कों पर लंबा जाम, रेंगती दिखी गाड़ियां, घंटों परेशान हुए लोग। भारी बारिश में डूब गए दिल्ली के कई अंडरपास, प्रहलादपुर में तालाब जैसा नजारा, पूरी तरह डूबी बस। दिल्ली में आज रात भी भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग के मुताबिक कल सुबह से कम हो जाएगी बरसात। मानसून टाइप की पोजीशन अभी भी हमारे पास दिल्ली एनसीआर के पास में जा रही है, दिल्ली में आपके पास मॉडरेट रेनफॉल होने के चांसेस हैं और एक दो जगह पर हैवी रेनफॉल का स्पेल भी आ सकता है। दो दिनों की बारिश ने बिगाड़ी हाईटेक सिटी गुरुग्राम की सूरत, पॉश इलाकों में भी घरों में घुसा पानी। गुरुग्राम की कई सड़कों और अंडरपास में अब भी जमा है पानी, फायर ब्रिगेड की टीम निकासी में जुटी। फरीदाबाद में भी बादलों ने मचाई आफत, टापू में तब्दील हुआ पुलिस कमिश्नर का दफ्तर। जोरदार बारिश से नोएडा में भी मुश्किल, महिला थाना और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के दफ्तर में भरा पानी। गुजरात के सूरत में भारी बारिश से करोड़ों की खेती बर्बाद, ड्रोन कैमरे से दिखा तबाही का मंजर। गुजरात के राजकोट में उपंती नदी में फंसा युवक, गांव वालों ने किसी तरह बचा। राजस्थान के झालावाड़ में 24 घंटे की जोरदार बारिश से नदी में उफान, किनारे पर बना प्राचीन महादेव मंदिर पानी में डूबा। बिहार के समस्तीपुर में बागमती की तेज धार में फंसी नाव, बाढ़ में डूबी सड़क पर भारी बारिश से उतरकर लोगों ने बचाई जान। बिहार के दरभंगा में नीचे उतरना शुरू हुआ बाढ़ का पानी, लेकिन अब भी डूबे हैं दर्जनों गांव। बिहार के छपरा में बाढ़ की मार से बह गई सड़कें, जुगाड़ की नाव से हो रही आवाजाही। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से तबाही, महज 3 घंटे की बारिश में हर तरफ सैलाब का मंजर। चमोली में जोरदार बारिश से बद्रीनाथ हाईवे पर धसा पहाड़, पूरी तरह ठप पड़ा बद्री धाम तक जाने वाला रास्ता। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी में जबरदस्त तूफान, भूस्खलन से केदारनाथ हाईवे 3 दिन से बंद। बागेश्वर में बारिश और भूस्खलन से भारी तबाही, सैकड़ों गांव में बिजली और पानी की सप्लाई ठप। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में हो रही भारी बारिश, मंडी में उफान पर है नदी नाले, भूस्खलन ने किया बेहाल। फरुखाबाद में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा और रामगंगा नदियां, सड़कें डूबने से 3 दर्जन गांवों का संपर्क कटा। बनारस में गंगा का पानी बढ़ने से कई घाट पानी में डूबे, किनारे की बस्तियों में भी घुसा पानी। झारखंड में रांची समेत करीब 12 जिलों में जमकर बारिश, मौसम विभाग के मुताबिक 24 अगस्त तक होगी बरसात। छत्तीसगढ़ के सुकमा में लगातार बारिश से नेशनल हाईवे पर लगा भारी जाम, उफान पर है नदी नाले। ओडिशा के कालाहांडी में लगातार भारी बारिश, बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से आसमान से आफत। राजीव गांधी की जयंती पर कांग्रेस का रामराग, विज्ञापन में लिखा साकार की रामराज्य की कल्पना। कांग्रेस के रामराज्य वाले विज्ञापन पर बीजेपी का पलटवार, कहा नकली है उनकी भक्ति। पूर्व सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला की किताब में बड़ा दावा, राजीव गांधी को नहीं थी 1986 में विवादित ढांचे का ताला खोले जाने की जानकारी। कोरोना और आर्थिक संकट को लेकर मोदी सरकार पर फिर बरसे राहुल गांधी, वीडियो संदेश में नोटबंदी और जीएसटी पर भी साधा निशाना। पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती पर देशभर में दी गई श्रद्धांजलि, प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया याद। राजीव गांधी के जन्मदिन पर नजर आए रॉबर्ट वाड्रा,
गरीबों और जरूरतमंदों को बांटा खाना। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कांग्रेस ने अनूठे अंदाज में मनाया राजीव गांधी का जन्मदिन, सड़क पर बने गड्ढों में किया पौधारोपण। राजीव गांधी की जयंती पर गहलोत सरकार ने लॉन्च की इंदिरा रसोई, 8 रुपए में मिलेगा पेट भर खाना। इंदिरा रसोई के उद्घाटन के मौके पर ही शुरू हुआ विरोध, भरतपुर में कैंटीन शिफ्ट करने की मांग को लेकर लोगों ने फाड़े पोस्टर बैनर। सुलह के बाद पहली बार जयपुर में कांग्रेस दफ्तर पहुंचे सचिन पायलट, विवाद के चलते छूटा है प्रदेश अध्यक्ष का पद। शक के दायरे में आए 4 विधायकों पर कार्रवाई कर सकती है राजस्थान बीजेपी, गहलोत के विश्वास मत के दौरान थे गैर हाजिर। कोरोना संकट के बीच यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू, समाजवादी पार्टी ने किया विरोध प्रदर्शन। एसपी विधायकों ने स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह को विधानसभा गेट पर रोका, कोरोना की रोकथाम में नाकामी का आरोप लगाया। पंजाब में भी जारी है कोरोना का कहर, फरीदकोट में 41 पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए जाने से हड़कंप। नासिक में शुरू हुई राज्य परिवहन की बसें, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं मिल रहे मुसाफिर। धोनी के रिटायरमेंट पर पीएम मोदी ने चिट्ठी लिखकर उनके खेल और सेना से जुड़ाव को किया याद, धोनी ने किया प्रधानमंत्री का धन्यवाद। देश में कोरोना की सबसे बड़ी छलांग, 24 घंटे में करीब 70,000 नए मरीज, 28,37,000 के करीब पहुंचा कुल मामला। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में लश्कर के 2 आतंकी ढेर। हंदवाड़ा में ढेर हुआ लश्कर का कमांडर नसीरुद्दीन लोन, सोपोर में सीआरपीएफ जवानों की हत्या का था मास्टरमाइंड। यूपी के बाहुबली नेता अतीक अहमद पर लगातार खतरा शिकंजा, गैंग पर एक्शन के लिए प्रयागराज प्रशासन ने बनाई संयुक्त टीम। गुरुग्राम में बारिश के बाद हादसे में गई रिटायर्ड अधिकारी की जान, इन्वर्टर ठीक करते वक्त करंट लगने से मौत। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के एमजीएम अस्पताल में मरीज के परिवार का बवाल, लापरवाही का आरोप लगाकर महिला डॉक्टर के साथ मारपीट। राजस्थान के बारा में जानलेवा साबित हो रहा पार्वती नदी में अवैध खनन, कटाव की वजह से बह गए 6 मजदूर, 4 की मौत। आगरा में बस हाईजैकिंग का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, मुठभेड़ के दौरान पैर में लगी गोली। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में डीआरआई को बड़ी कामयाबी, 50 लाख विदेशी सिगरेट के साथ 2 लोग गिरफ्तार। बीएचयू में वाइस चांसलर के खिलाफ छात्रों का गुस्सा, वीसी आवास के बाहर धरना प्रदर्शन, पुलिस से धक्का मुक्की। वाराणसी में पुलिस के खिलाफ रोडवेज कर्मचारियों का हंगामा, एक कर्मचारी की पिटाई के बाद हुआ विवाद। इंदौर में हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला, लड़की के परिवार वालों ने प्रेमी को पीट पीट कर मौत के घाट उतारा, वीडियो वायरल। कोलकाता के चिड़ियाघर में करंट लगने से 2 लोगों की मौत, लॉकडाउन में बंद होने के बावजूद घुसने की कोशिश थी तब हुआ हादसा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में नाव पलटने से जानलेवा हादसा, 3 साल के मासूम समेत 3 लोग डूबे। पंजाब के अमृतसर में हीरोइन की खेप के साथ तस्कर गिरफ्तार, इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर है आरोपी। जींद में 2 महिला फर्जी अफसर गिरफ्तार, इनकम टैक्स की धौंस देकर ज्वेलरी शोरूम में कर रही थी ठगी की कोशिश। मेरठ में आवासीय कॉलोनी में शराब के ठेके को लेकर हंगामा, पुलिस प्रशासन के खिलाफ महिलाओं का मोर्चा। दिल्ली के रोहिणी इलाके में पुलिस वाले ने की एक शख्स की हत्या, आपसी कहासुनी में वारदात को दिया अंजाम। पंजाब के पठानकोट में रात के अंधेरे में एक परिवार पर हमला, 1 की हत्या, 4 लोग जख्मी। कन्नौज में जमीन के विवाद में दबंगई का वीडियो वायरल, रिवॉल्वर दिखाकर एक महिला को डरा रहा शख्स। हरियाणा के सोनीपत में दागदार हुई खाकी, किन्नर से छेड़खानी को लेकर एएसआई ने पेटीएम से मांगी रिश्वत। यूपी के चंदौली में बाहुबली मुख्तार अंसारी के करीबी पर कार्रवाई, मछली के अवैध कारोबार में सलीम की संपत्ति जब्त। महाराष्ट्र के बारामती में घरेलू महिलाओं की पिटाई, वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप। यूपी में प्राइवेट स्कूल की फीस को लेकर हंगामा, उन्नाव में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने मांगी भीख। आईपीएल के लिए टीमों की यूएई के लिए उड़ान शुरू, मुंबई एयरपोर्ट से रवाना हुई राजस्थान रॉयल्स। वडोदरा के 2 दोस्तों ने बनाई पीएम मोदी पर आधारित इमोजी, मुफ्त में इस्तेमाल कर सकेंगे इंटरनेट यूजर। शास्त्रीय संगीत के पितामह पंडित जसराज का मुंबई में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, अमेरिका में हुआ था निधन। आखिरी विदाई के पहले मुंबई के वर्सोवा में घर पर आखिरी दर्शन के लिए रखा गया पंडित जसराज का पार्थिव शरीर, मशहूर हस्तियों ने दी श्रद्धांजलि। शनिवार से शुरू होगा गणेश उत्सव, कोरोना की वजह से वक्त के पहले ही घर में बप्पा को न्योता दे रहे हैं बॉलीवुड के सितारे।
इस साल नहीं होगा जैसलमेर के रामदेवड़ा में आयोजित होने वाला मेला, कोरोना की वजह से फैसला। केंद्र सरकार ने जारी किया स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का नतीजा, अलग अलग कैटेगरी में 129 शहरों को अवार्ड। इंदौर बना देश का सबसे साफ सुथरा शहर, लगातार चौथे साल हासिल किया पहला नंबर। साफ शहरों की कैटेगरी में दूसरे नंबर पर सूरत, नवी मुंबई को मिला तीसरा स्थान। स्वच्छता सर्वे में वाराणसी ने भी हासिल किया खास मुकाम, घोषित किया गया गंगा किनारे बसा सबसे अच्छा शहर। 394 पॉइंट की गिरावट के साथ 38,220 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 96 पॉइंट गिरकर 11,312 पर रुका। बीते 5 दिन में 4 बार बढ़ी पेट्रोल की कीमत, दिल्ली में 10 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 81 रुपए लीटर हुआ दाम। नौकरी तलाशने वालों को अब घर बैठे मोबाइल पर मिलेगी नौकरियों की जानकारी, गूगल ने उतारा नया ऐप कोरमो जॉब। 25,000 में भारत में शुरू हुई किया सोनेट की प्री बुकिंग, 55 कनेक्टेड फीचर से लैस कॉम्पैक्ट एसयूवी की शुरुआती कीमत है 7 लाख। $2 ट्रिलियन के मार्केट कैप वाली पहली कंपनी बनी एप्पल, 2018 अगस्त में $1 ट्रिलियन से 2 साल में दोगुना हुआ वैल्यूएशन। अमेरिका में भारतीय मूल की कमला हैरिस ने रचा इतिहास, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली पहली अश्वेत महिला, डेमोक्रेटिक पार्टी ने किया अधिकृत। डेमोक्रेटिक पार्टी के ऐलान के बाद भावुक हुई कमला, अपनी भारतीय मां को किया याद। दुनिया में लगातार बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ, 2,25,00,000 के पार मरीजों की संख्या, अब तक 7,90,000 से ज्यादा की मौत। अमेरिका में 57,00,000 के पार कोरोना मरीजों की तादाद, 1,76,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी मौत। कोरोना संकट के बीच मैक्सिको में परीक्षा केंद्र में तब्दील किया गया ऐतिहासिक स्टेडियम, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हो रहा एग्जाम। माली में विद्रोही सैनिकों ने जारी किया राष्ट्रपति और पीएम को बंधक बनाए जाने का वीडियो, शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं राष्ट्रपति। चीन के सिचुआन में बाढ़ का जोरदार कोहराम, डूब रही है 1300 साल पुरानी भगवान बुद्ध की 233 फीट ऊंची प्रतिमा। दक्षिणी चीन में अचानक धस गई एक मॉल के सामने की सड़क, देखते देखते गड्ढे में समा गई 21 कारें। मैक्सिको की तरफ बढ़ रहा है समुद्री तूफान जेरेवी, 180 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हवाएं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।